पंकज जी, पहले मैं गाड़ी के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारे पास है आज गियर वाली, क्यों? क्योंकि नंबरिंग लिखी हुई है और ऑटोमेटिक जब गाड़ी होगी ना, प्लेन होगा, साइड में R&D लिखा होता है, ठीक है। लेफ्ट टायर आपका क्लिच दबाएगा, नंबर एक पूरा फुल दबा दो, दूसरे पैर से ब्रेक, ये काम हो गया, और राइट पैर में रेस, ठीक है, उधर करोगे ना रेस और बीच में ब्रेक, ठीक है। राइट हैंड का काम है, राइट मिरर सेट करना है आपका, यहाँ से देखना चाहिए। स्टीयरिंग यूज़ करेंगे, यहाँ से एक बार चाबी ऑन कर लेते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट के लिए इंडिकेटर, राइट के लिए ये डीपर, जब किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं ना डीपर दे के जाते हैं, और यहीं से लाइट है 1-2 और 1-2, ठीक है। एक वाइपर में बताना भूल गया था उमंग को, ये वाइपर है आपकी गाड़ी का, घुमा के नहीं, सिर्फ हल्का सा टच करते होंगे तो चल जाता होगा। लेफ्ट हैंड काम है, लेफ्ट मिरर सेट करना है, मिरर सेट करना है और हैंड ब्रेक नीचे करना, पूरा नीचे कर दो हैंड ब्रेक को। गियर चेक करना है, आगे करेंगे जैसे सीधा करो एकदम, थर्ड हो गया न्यूट्रल करो हल्का से, फिर पीछे करो, पीछे खींच दो, चौथा हो गया, फिर न्यूट्रल करो हल्के हाथ से, ये हो गया गियर को पहचान। तो अब हम चलते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्लिच दबा के, ठीक है। क्लिच दबाइए और गाड़ी को स्टार्ट करो, क्लिच दब गई, चाबी घुमा दो वहाँ से, थोड़ा सा वापस 2-3 सेकंड के लिए घुमा के रखना, ये होगी गाड़ी आपकी स्टार्ट। गियर की पोजीशन लेफ्ट आगे, ये आपने ऐसे L बना दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, नज़र सामने, हल्का रेस से भी जा सकते हैं और बिना रेस के भी जा सकते हैं, तो AD पर भजन रहेगा आपका, पंजा हल्का सा लूज होगा और गाड़ी आपकी 10 कदम तक आपने ऐसे पंजे को रोक के गाड़ी को चलाना है। ये आप रेस के साथ करेंगे तब भी सेम काम करना है, और बिना रेस के करेंगे तब भी आपने काम करना है, पर आप इस काम में निपुण हो गए तो आपको भीड़ में टोल प्लाजा पर बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलेंगी तो ऐसे चलेंगे। अब बढ़ाएंगे 20 का रेस, मीटर 20 का रेस बढ़ाओ, फोन कैसे बढ़ाओ 20 का रेस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अब क्लिच नीचे पूरा और गियर सेकंड झुका के 1-2, हल्का हल्का रेस क्लिच छोड़ते हो, ये गियर आगे सेकंड, कौन से आगे, जो हमने मिरर सेट किए थे, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर, तीनों को ध्यान रखते हुए आपने एक्टिव रखना है अपने आप को, और इनको 20-30 सेकंड में देखते रहना है। एक्टिव रखोगे आप सोल्जर की तरह, एक्टिव रहे तो राशन कार्ड में, भामाशाह कार्ड में, पासपोर्ट में, वीजा में, CAB में सब में नाम बना रहेगा। सभी स्टूडेंट को कहता हूँ अलर्ट रहना है, दारू नहीं पीनी है, नींद आ रही है, अपना हाथ मुंह धो के गाड़ी चलाओ या थोड़ा सा रेस्ट करके गाड़ी चलाओ, कहीं लॉन्ग रूट पर गए तो आप लेफ्ट लेफ्ट संभालते हुए सामने ब्रेकर, तो क्या करेंगे हल्की सी क्लिच ब्रेक, ब्रेक लो हल्की सी और हल्की सी क्लिच, और जैसी ब्रेकर दिखना बंद ब्रेक छोड़ेंगे, हल्का हल्का रेस लेंगे, वापस रेस मेंटेन करके चलो और क्लिच छोड़ दो, हाथ हल्का रख के चलते रहिए, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हमने छोड़ना नहीं है, सिंगल रोड पर देखो हमने लेफ्ट कवर कर लिया, तो हमारी ड्यूटी है राइट मिरर देखना और सेंटर देखना, राइट मिरर देखना और सेंटर को देखते रहना है 20-30 सेकंड में, चलते रहेंगे लेफ्ट लेफ्ट, रेस भी आप 20 और 30 की अच्छी रेस मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत इतना काम समझने में मोनिका जी, तो लग रहा है मैं आपको सिखा दूँ ड्राइविंग, गुड, चलते रहिए, बहुत बढ़िया रेस मेंटेन करते हुए। अपना रोज़ की वीडियो बनाते हैं जिससे कि पता चलता है कि हमने सीखा क्या था, बोलना है 3 उंगली डाल के वहाँ पे उसका लॉक होगा, अनलॉक करो, वहाँ से स्टैंड लगा दो, वहाँ से निकालो और उधर लगा दो, ये हो गया, ठीक है, बोनट खड़ा कर दो, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले चलते हैं हम राइट साइड से, यहाँ पे आपका कूलेंट पानी है, ये राइट एयर में जाता है, राइट एयर जब भी सर्विस कराओगे पूरा क्लीन करा के तब आपने कूलेंट प्लस डिजिटल वाटर भरवाना है। ठंडी गाड़ी में हम चेक कर सकते हैं, पर गर्म होगा तो नहीं चेक करेंगे, पानी फुल है, बंद कर देते हैं। इसका एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भरना है फिर इसमें नहीं भरना, ठीक है, ये ठंडी गाड़ी में चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी, बैटरी के तार देख लो, अगर लूज हैं तो ग्रीस लगा उसे टाइट कर लो, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। अगर आप कहीं जा रहे हो 2-3 महीने के लिए तो बैटरी के टर्मिनल खोल के रख दो, तो यहाँ बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। फिर उसमें कुछ फिल्टर होते हैं और कुछ इसमें ऑयल डलते हैं, एक फ़िल्टर यहाँ पे दिया हुआ है, एक फ़िल्टर इंजन ऑयल के साथ चेंज होता है, जब ऑयल जितने बार चेंज होता है उतने बार उसका फ़िल्टर चेंज होता है। ऑयल चेक करने का तरीका, इसको बाहर निकालो जैसे कल बताया था, उसको बाहर खींच लो, और ऑयल 2 पॉइंट तक होना चाहिए, और चिकनाइट भी चेक करना है, ये 2 पॉइंट आ गए, यहाँ तक ऑयल है और ऑयल इसमें फुल है, ठीक है, मात्रा भी ठीक है, बंद कर दो, उस जैसे निकाला था वैसे लगा दो,
फिर यहाँ पे ब्रेक ऑयल दिया है जिसके द्वारा ब्रेक लगती है। एक यहाँ पे होता है गियर ऑयल, वो मिस्त्री से चेक करा लेना उसका कि मात्रा कैसी है। ठीक है, ये तो हो गया ऑयल। कुछ दिया फिल्टर, एक दिया हुआ यहाँ पे एयर फिल्टर, एक वहाँ फिल्टर हो गया, एक एसी फिल्टर अंदर होता है, वो मिस्त्री साफ करा लेना, खुद सीख जाना। ठीक है, यहाँ पे होता है वाइपर पानी, ठीक है, जो आपके सीर साफ करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे दिया एक फैन बेल्ट, उसकी भी क्वालिटी मिस्त्री से चेक करा लेना, हमें समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखो, नई गाड़ी होती है तो 3 सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद हर 10 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस कराओ, वो मिस्त्री के टच में रहो, कोई अच्छा मिस्त्री सेलेक्ट करो। कंपनी से कराना है तो सारे बिल आपने क्या करना है, कंप्यूटर सर्विस पे चढ़ा दो। इसके फायदे क्या हैं कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम सर्विस कराने जाओगे, पिछले बिल में देख सकते हो हमने सर्विस में क्या क्या करवाया था, क्या हमें नया डलवाना है, क्या हमने पुराना। यहाँ होते हैं स्पार्क, ठीक है, एक और दो और तीन, ये 40,000 किलोमीटर पर हमने चेंज कराने होते, उससे पहले चेंज नहीं होते, बीच में फिर भी ज़रूरत पड़ रही है करा सकते हैं। और यहाँ इंजन ऑयल जब 20,000 किलोमीटर चल जाए गाड़ी, इसको पूरा फ्लैश कराओ और दोबारा से नया ऑयल डलवाओ, इतना ध्यान रखो। और सर्विस के दौरान खुद मिस्त्री के पास रहो, वहाँ देखने से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ, ठीक है, बंद कर दो, जैसे हमने खोला था वैसे हम बंद कर देंगे। चढ़ रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में गाड़ी चढ़ती है, भीड़ रहेगी तो फर्स्ट सेकंड में चलाएंगे, खाली मौका मिला तो थर्ड लगाएंगे, ऑटो को ओवरटेक करेंगे, हल्का सा लेफ्ट देखो, धीरे धीरे लेफ्ट जगह छोड़ दो, सामने से रेस बढ़ाओ 30 का, मौका मिला तो थर्ड गियर लगा लेंगे और करो रेस, बफर डिवाइडर पकड़ लो, इसकी रेस होगी, क्लिच नीचे करो, आगे न्यूट्रल करो, एक बार और, ये हो गया थर्ड, रेस मेंटेन करो और क्लिच छोड़ते आएंगे, राइट पैर से रेस बढ़ रहा है इधर, क्लिच छोड़ते आएंगे, अगर मौका मिला तो चौथा गियर लगा लेंगे, डिवाइडर फुल पकड़ो, पीछे देखते हैं, डिवाइडर के पास चल रहे हैं, हाथ की पोजिशन ये ऐसा रहेगा, रेस हमारी 40 की होगी, आराम से क्लिच दबाओ और दो बार पीछे करो, एक दो, हल्का हल्का रेस, क्लिच छोड़ दो, ये हो गया इस गियर का टॉप गियर। आपकी गाड़ी में पांचवा गियर है, जैसे जैसे कि जब थर्ड लगाते हैं वैसे चौथे से पांचवा गियर लगता है, वहाँ रेस रहती है आपकी 50 से ऊपर। बहुत बढ़िया, पहला दिन याद है मोनका जी, और आज देख लो आप हवा से बातें कर रहे हो, ट्रैक्टर को ओवरटेक करेंगे, हल्का सा लेफ्ट आओ, स्लो भी करो, पहले किया हमने स्लो, फिर मीटर पे देखेंगे, क्लिच दबा के सीधा दो बार कर दो, थर्ड गियर लगाना सीधा एकदम, रेस मेंटेन करो, ट्रैक्टर को ओवरटेक करके राइट फिर पकड़ लेंगे, पीछे जाओ देखो पीछे, पहले डिवाइडर स्लो करते जाओ, आगे क्रॉसिंग है, यहाँ थर्ड से फर्स्ट भी लग सकता है, स्लो करो एकदम, भीड़ ज़्यादा है, पूरा क्लिच दबाओ, आराम से न्यूट्रल करो, लेफ्ट करके फर्स्ट लगाओ, आगे कर दो, बहुत बढ़िया, आधा क्लिच ब्रेक, दूरी मेंटेन, ब्रेक छोड़ दो, आधा क्लिच करो, तो सिंपल सी बात है, बाइक वाले को जान दो, रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ेंगे और रेस नहीं बढ़ेगी तो गियर नहीं बढ़ेंगे, माहौल के हिसाब से अपने गियर को यूज़ करना है। चलते रहो फर्स्ट गियर में, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, या वो पुलिस लाइन चौड़ाया है, धीरे धीरे वापस ब्रेक को पकड़ लो, आगे से ऑटो वाले पैदल वाले घुस रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ो, रुक जाओ, नहीं मानेगा बीकानेर वाला, मानेगा फिर पहचान क्या होगी बीकानेर वाले की, ये तो असली पहचान है, पहले मैं मन्ना मंजूर है, घर से माँ की कसम खा के निकलते हैं, माँ तेरे चरणों की सौगन, किसी को साइड नहीं दूंगा, पहले मैं ही निकलूंगा हर किसी की। हाँ बिल्कुल, क्लिच नीचे, वापस गियर सेकंड, रेस मेंटेन करके चलते रहो, तो सिंपल सी बात है मोनका जी, रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ाना, खुला एरिया होगा, और रेस नहीं बढ़ेगी तो गियर मत बढ़ाना, क्लियर सब, चलते रहो, स्लो करो, आगे से कार फिर घुस रही है, पीछे रखो, डिवाइडर पकड़ लो और सीधा चलते रहो, रेस मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रख दे दो, ट्रक आ रहा सामने, अभी थर्ड नहीं लगाएंगे, सेकंड में चल रहे हैं, सिटी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, कल गए थे सिंगल रोड पे, आ जाएं डबल रोड पे, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का, तीस की रेस बनाओ आराम से, रेस को छोड़ दो, क्लिच नीचे, आराम से न्यूट्रल और थर्ड लगाओ, वहाँ पर रेस उठाओ और धीरे धीरे क्लिच छोड़ते हो, ये आ गया थर्ड गियर में, मास्क नीचे कर लो, चला कौन रहा है दिखा दो, और आज तो आपके साथ जजमेंट करने वाले जज आए हुए हैं,
रातल का रखते हुए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो घर वाले सर्टिफाइड होते हैं, कमियां निकालते रहते हैं बस, फेस मेंटेन करते हुए। अब बनाएंगे 40 के, क्रॉस करो, वही पकड़ो, मौका मिला तो चौथा लगाएंगे। देखो आगे ट्रक क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, उस हिसाब से हम रेस रखेंगे। अब ज़रूरत नहीं अभी चौथा लगाने की, पूरा निकल जाएगा। अब रेस बढ़ो वापस, 40 कर दो, बड़े आराम से रेस को छोड़ दो, फिर क्लेश दबाओ दो बार पीछे, एक दो, हल्का हल्का रेस क्लेश छोड़ते हो, रेस मेंटेन करते हुए। अब देखो डिवाइडर के पास जब जब चलेंगे दोनों साइड सेफ रहती हैं, ये साइड तो आपने सेफ कर दी। अब लेफ्ट से जो भी ओवरटेक करता है आपको एक फुट या दो फुट छोड़ के निकलता है, ठीक है। आपने तो उस टाइम ध्यान देना जब वो ओवरटेक करके हमारे सामने आता है लेफ्ट वाले का, सर पीछे देखो फुल डिवाइडर पकड़ो, ऐसे बहुत आएंगे आपके सामने, और रेस बढ़ा के चलते रहो जैसा आपका कंट्रोल आ रहा है उस हिसाब से। यहाँ भी सेफ रख सकते हैं, सामने वाली गाड़ी के पीछे करके चलेंगे ना, 100 फुट दूर रह के तो आप यहाँ सेफ रह सकते हैं, आगे वाला आपके लिए रोड खाली करता रहेगा। पहला दिन याद है, और आज कैसा लग रहा है आप 40 की रेस से ऊपर चला रहे हैं, चौथे के टॉप है, बताइए वरुण जी। बढ़िया था, बहुत बढ़िया, दो रिमाइंडर उनके उसका अल्टो का, जान दो गाड़ी को, आप अपनी साइड में चलते रहो। ये भी गाड़ी धीरे धीरे अपनी तरफ आएगी, हल्का स्लो कर लो, जो जो गाड़ी ओवरटेक करेगी उसको हल्का था अपने साइड को देना है, स्लो कर लेना है, थोड़ा तो समय लगी गाड़ी आपके सामने आने में, पर आएगी आपके सामने। चल दो रेस मेंटेन करके देखो आगे, बस दूरी मेंटेन करना सीख लो, हाईवे पे ओवरटेक करोगे तो आप तेज़ करना है, आपकी गाड़ी को ओवरटेक करेगा कोई तो स्लो कर लेना, और जैसा आपका कंट्रोल रहेगा उस हिसाब से अपना रेस लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप कंपटीशन करें कि इसने 100 चलाई तो मैं 120 चला के दिखाऊंगी, अपना कंट्रोल के हिसाब से चलाएंगे आप। बस ये लगाओ, बट बढ़ाओ गाड़ी को, हल्का रेस क्लच, क्लच पे समय लगाएंगे, गाड़ी हमने लेफ्ट खड़ी करी थी इसलिए इंडिकेटर दे रखा था, अब इंडिकेटर बंद कर लो, नीचे करना था, अब रेस बढ़ाओ वापस 20 का, ठीक है, हो गया 20 का रेस, न्यूट्रल सेकंड झुका के रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो, लेफ्ट लेफ्ट चलो, एक बार डिवाइडर की तरफ भी चल सकते हैं और हम लेफ्ट भी चल सकते हैं, तो एक बार लेफ्ट चलेंगे, रेस बढ़ाओ, यहीं पे आपने थर्ड फोर लगाना है लेफ्ट साइड में। अब रेस बढ़ेगी 30 का, कितना बढ़ाओ 30 का रेस, रेस को छोड़ के क्लिच नीचे, आगे न्यूट्रल, और ये थर्ड बढ़ा कर रखो रेस, बनाओ 40 की रेस, मास्क नीचे कर लो, दिखा दो कौन चला रहा है, पहले दिन आप कैसे चला रहे थे और आज देख लो, ठीक है। अब जाएंगे चौथे में, तो कितनी रेस बढ़ाएंगे आप 40 की, क्लिच नीचे रेस को छोड़ के हल्के हाथ से, एक दो, रेस मेंटेन करेंगे, हाथ हल्का रखेंगे, तो गियर लगाने में ताकत की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक की ज़रूरत है। अब हम जब लेफ्ट चल रहे हैं तो आप लेफ्ट में नहीं देखेंगे, आप देखेंगे सेंटर और राइट, ठीक है। अगर आपको राइट जाना है हाईवे पे तो इंडिकेटर पहले नीचे मार लेंगे, इंडिकेटर पीछे देखो, गाड़ी आ रही है तब हम नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं है तब हम डिवाइडर पकड़ सकते हैं, बड़ा करो रेस, तेज करो, अब अपना इंडिकेटर बंद, और आप अपनी गाड़ी भी चलाने लग गए पहले नो, कोई दिक्कत इस गाड़ी में और अपनी गाड़ी चलाने में, अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से आप चटनी बनाते हैं, चटनी में सारी मात्रा इक्वल डालते हो, कोई एक चीज़ मात्रा ज़्यादा डाल दो चटनी नहीं बनेगी, सेम ड्राइवर ही वैसे बनता है। बड़ा कर रखो रेस, 50 की रेस आ रही है, और तेज़ चला के देख सकते हैं जैसा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो, सॉफ्ट हाथ होने चाहिए, आप यहाँ पकड़ सकते हो जगह की जगह, यहाँ हल्के हाथ से संभालो,
बहुत बढ़िया, लेफ्ट सेंटर ज़्यादा देखना है, राइट कम देखेंगे, बढ़िया रेस आ रही है, हल्का से घुमाना है, ज़्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, स्मूथ घुमाना है, जितना हल्का से इतना घुमा उतना सीधा करना है आपने, पहले दिन देख लो और आज अपने आप को देख लो हल्के से, ठीक है, चलते रहिए। तो ये बैलेंस अभी आपका गया था, सिर्फ आपके बाल संभालने के चक्कर में, ठीक है, बालों के चक्कर में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। बहुत अच्छे दूरी मेंटेन करते हुए सफर की आ रही है, मास्क उतार के दिखा दो, चला कौन रहा है आज, कुछ कमी तो नहीं रहेगी मोनका जी, बस अब रह गया आपका अभ्यास, ठीक है, अभ्यास करते रहना। अब आज के लिए आपके पास कार है, और आपके हस्बैंड जी तो वो थे कि उनके पास कार नहीं थी, फिर उन्होंने अभ्यास किया, तो उनके चेले चपाटे दुनिया भर के थे, ठीक है, आप अपना कंट्रोल करके चलते रहो, और कई जगह आपने बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया, दूरी मेंटेन करके चल रहे, एक सेफ चल रहे हैं, आगे वाला गाड़ी हमारे लिए साफ करता जा रहा है रास्ता। 60 की आ रही है, 60 पे चलाओ गाड़ी, पीछे वाला अपने आप चलता जाएगा, आपने आगे वाली चिंता करना है, पीछे वाला अपने आप निकलता जाएगा आपको बचा के, चलते रहो, उधर ही रखना हमने डिवाइडर के पास से दूर नहीं जाना, बहुत अच्छा।